हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मुमताज और आप देख रहे हैं लेट्स टेन प्ले। गाइज, आज का गेम है सैबटर। गाइज, ये गेम है 8+ एज के बच्चों के लिए और ये गेम है 3 to 10 प्लेयर्स के लिए। तो चलिए पहले हम देखते हैं गेम में आपको कौन कौन से कार्ड रिसीव होंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स है, सेटअप क्या, उसको किस तरह से खेलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सैबटर। गाइज, यहाँ पे आपको आपके दो कैरेक्टर कार्ड मिलेंगे, एक होगा गोल्ड माइनर और दूसरा होगा सैबटर। दूसरे यहाँ पे आपको मिलते हैं इस तरह से येलो बैक में, जो रहेंगे यहाँ पे गोल्ड नगेट्स। जो भी प्लेयर जीतेगा उसको मिलते हैं यहाँ पे, तो ये रख देते फिलहाल साइड में, अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 मेन कार्ड मिलेंगे, जहाँ पे 3 में से आपको 2 में मिलता है स्टोन और 1 में होगा आपका गोल्ड, जिसको आपको फाइंड आउट करना, गोल्ड तक आपको पहुँचना है आप अगर गोल्ड माइनर हो तो। और ये रहेगा मेन आपका स्टार्टिंग कार्ड। और नेक्स्ट रहेगा इस तरह से आपको पूरी डेक मिलेगी, जिसमें आपको यहाँ पे अलग अलग पाथ होंगे डिफरेंट डिफरेंट काइट के, और यहाँ पे आपको कुछ एक्शंस कार्ड भी मिलेंगे, कुछ अदर प्लेयर के लिए जो ब्लॉकिंग कार्ड्स होते हैं वो मिलेंगे, जो गेम के दौरान हम उनका डिटेल देखेंगे कि उसको किस तरह से यूज करना है। तो ये आपके हैंड कार्ड हो जाएंगे। तो चलिए गाइज, अब शुरू करते हैं इस गेम का सेटअप। गाइज, ये जो गेम है मिनिमम 3 प्लेयर का है। अगर आप 3 प्लेयर गेम खेल रहे हो तो आपको उसमें से एक सैबटर लेना होगा और आपको लेना होगा 3 गोल्ड माइनर। गोल्ड माइनर जो गोल्ड को ढूंढेगा और जो यहाँ पे जो सैबटर है वो उसको इन लोगों को रोकेगा गोल्ड मिलने से, ठीक है। तो सपोज अगर आप 3 प्लेयर खेल रहे हो तो आपको क्या करना है, डेक में से एक सैबटर लेना है, 3 गोल्ड माइनर लेना है और अच्छी तरह से इसको शफल करना है। शफल करने के बाद में हर एक प्लेयर को अपना अपना एक एक कार्ड दे देना है। कोई भी अपना जो कार्ड है, जो भी उनका कैरेक्टर है, वो अदर प्लेयर को नहीं बताएगा, और जो ये एक कार्ड बचता है ये जाएगा डेक में। तो आपके पास में क्या हो, आप यहाँ पे गोल्ड माइनर हो या सैबोर्डर, आपको किसी भी प्लेयर को नहीं बताना है, ठीक है। आपको जो स्टार्टिंग कार्ड है वो उसको आपको इस तरह से रख देना है। उसके बाद में 7 कार्ड के यहाँ पे डिफरेंस पे, आपको 7 कार्ड का यहाँ पे डिफरेंस रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं हाथ के कार्ड का डिफरेंस ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्ड का आपको यहाँ पे स्पेस छोड़कर आपको जो यहाँ पे 3 कार्ड आपको दिए हुए, जिसमें गोल्ड रहेगा, 2 में यहाँ पे स्टोन है और 1 में गोल्ड है, आपको उसको अच्छी तरह से शफल करना है। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि गोल्ड कहाँ पे और स्टोन कहाँ पे है। आपको बिना देखे क्या करना है, एक कार्ड यहाँ पे, फिर एक कार्ड का डिफरेंस छोड़कर दूसरा कार्ड यहाँ पे, और फिर एक कार्ड का डिफरेंस छोड़कर एक कार्ड यहाँ पे आपको रख देना है। तो गाइस, इस तरह से सेटअप के बाद में अभी क्या करेंगे, आपने जो यहाँ पे कार्ड रखा था आपके डिस्टेंस के लिए वो सभी को उठा लेना है इस तरीके से। और ये हो गया आपके हैंड कार्ड, ये आपका ड्रॉ पाइल हो गया है, इसको अच्छी तरह से शफल करना है। शफल करने के बाद में हर एक प्लेयर को 5-5 कार्ड आपको दे देना है, ठीक है। गाइज, ये सिर्फ गेम के लिए मैं आपको फेस अप करके मेरा कार्ड दिखा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको याद रखिए गेम में आपका जो कैरेक्टर आपको किसी भी प्लेयर को दिखाना नहीं है। तो यहाँ पे मैं हूँ गोल्ड माइनर, मतलब मुझे गोल्ड ढूंढना है। ये प्लेयर भी यहाँ पे है गोल्ड माइनर और ये प्लेयर यहाँ पे सैबोटर, यानी कि ये जो प्लेयर है ये हम दोनों को रोकेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। इन तीनों में से कौन सा गोल्ड का कार्ड है वो हमें भी नहीं पता है, लेकिन ये प्लेयर को इतना पता है कि ये सैबोटर, तो ये हमको गोल तक पहुंचने ही नहीं देगा, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको आपके टर्न में करना क्या है। तो आपके हाथ में इस तरह से 5 कार्ड रहेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से ना आपको रास्ता मैच करते हुए आपको गोल तक पहुंचना है। सपोज ये कार्ड है, मैं यहाँ पे ये रख देती हूँ, तो यहाँ से ये कार्ड रखने से फायदा क्या होगा, आपको यहाँ पे 1, 2, 3 साइड से आपको मिल जाएगा। तो अभी मेरा टर्न फिनिश, मेरे हाथ में 4 कार्ड है, यहाँ पे ड्रॉ पाइल में से मैं और एक कार्ड उठाऊंगी, तो मेरा टर्न फिनिश। अभी वो प्लेयर का जो टर्न रहेगा, अभी ये प्लेयर क्या करेगा, इसके पास में से देखेगा पाथ के कुछ कार्ड्स है, तो ये क्या करेगा, इसको इस तरह से पाथ को ज्वाइन करता जाएगा। आपको कार्ड इस तरह से हॉरिजॉन्टली रखना है, आप इसको इस तरह से नहीं रख सकते, विच इज रॉन्ग। आपको कार्ड को इसी तरह से रखना है और रास्ता प्रॉपर जो यहाँ पे पाथ है वो मैच होना चाहिए। अभी ये प्लेयर का टर्न है जो सैबोटर है।
अभी वो ऑब्वियसली वो सैबोटर है तो वो हम लोगों को इतनी आसानी से पहुंचने के लिए नहीं देगा। अगर ये सैबोटर है, ये हमें रोक रहा है, वहां पे जाने नहीं दे रहा है, तो थोड़ा बहुत हम दोनों को या फिर मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं गोल्ड माइनर हूँ, कि हो सकता है कि मे भी ये सैबोटर है, क्योंकि इसने मेरा रास्ता यहाँ से तोड़ चुका है और ये चाहता है कि मुझे वहां तक पहुंचने के लिए ना दे। तब आपको अगर थोड़ा सा भी क्लिक हो जाता है कि ये सैबोटर हो सकता है, तो आप इसको क्या कीजिए, आपके पास में जो भी एक्शन कार्ड होंगे, जैसे कि ब्लॉकिंग कार्ड है, तो ये ब्लॉक करके इसको यहाँ पे ये कार्ड दे सकते हो। तो उससे क्या होगा कि वो उसका जो पाथ का जो रास्ता है वो यहाँ पे वो यूज नहीं कर पाएगा, सिर्फ हमें क्या करेगा, एक्शन फॉलो कर सकता है, लेकिन इस तरह के जो रास्ते होंगे वो, जैसे ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो रास्ता है यहाँ पे, ये रास्ता वो रख नहीं पाएगा, या फिर उसके पास में अगर कोई ऐसा, या तो अगर इसके सैबोटर के पास में ऐसा कोई यहाँ पे कार्ड है जिससे वो जो यहाँ पे हमारा पाथ है ब्लॉक कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड यहाँ पे रख के इसको ब्लॉक कर सकता है, तो वो कर नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे ब्लॉक कर चुकी हूँ। तो जब तक इसके पास में इसका रिवील कार्ड नहीं आता है, तो तब तक वो यहाँ पे जो पाथ का कार्ड है वो नहीं रख सकता है। अगर हमारे पास में कभी कभी ऐसा होता है कि खेलने के लिए कुछ अच्छे कार्ड्स नहीं होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी टर्न में एक कार्ड को, जैसे कि मैं गोल्ड माइनर और यहाँ पे मुझे ब्लॉक वाला कार्ड आ गया है, तो एक कार्ड को डिस्कार्ड करूंगी और यहाँ से एक न्यू कार्ड पिक कर लूंगी, तो अब मेरा टर्न फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, आपने के डिस्कार्ड करने के बाद में मुझे बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, जिससे मेरा जो रास्ता है फिर से जुड़ जाएगा, तो मेरा जब नेक्स्ट टर्न आएगा तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पे मैं फिर से रख दूंगी, तो फिर से मेरा पाथ जो कंटिन्यू हो गया। तो इसी तरह से गाइस सभी लोग रखते जाएंगे। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रास्ता वो ये कार्ड जो यहाँ पे मैच करके रख सकते हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टली, इस कार्ड को आपको रास्ता ब्लॉक करने के लिए आप इसको इस तरह से नहीं रख सकते हो, ठीक है, आपको इस तरह से वो मैच करके रखना होगा। और जो पाथ है आपको, आपको चेक करना है कि आपके आजू बाजू में जो भी कार्ड्स है उससे वो पाथ मैच होना चाहिए। गाइस मेरे पास में ये कार्ड है, लेकिन मैं इस कार्ड को यहाँ पे नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता है वो मैच हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे पाथ है वो मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो इस वाले कार्ड को मैं यहाँ पे नहीं रख सकती हूँ, ना ही इस तरीके से, कोई भी तरीके से मैं इस कार्ड को यहाँ पे नहीं रख सकती हूँ। अगर ये वाला कार्ड सपोज मेरे पास में है, तो मैं इस कार्ड को इस तरह से रख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से ये पाथ मैच हो चुका है, फिर इस तरह से मेरा एक रास्ता बन चुका है, तो मैं यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ही मुझे इजी हो जाएगा कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। गाइस अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्ड बाकी है, अगर मैं यहाँ पे एक कार्ड रख देती हूँ तो ये वाले कार्ड मुझे फेसअप करने का मौका मिलेगा। अगर मेरे पास में ये वाला कार्ड है, यहाँ पे अगर मैं रख चुकी हूँ, तो देख सकते हो ये कार्ड यहाँ तक पहुंच चुका है, तो फिर इस कार्ड को हम लोग रिवील कर सकते हैं, इस तरह से फेसअप कर सकते हैं। शिट, तो यहाँ पे ये स्टोन निकला, यहाँ पे गोल्ड नहीं है, लेकिन गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पे जो गोल्ड माइनर है वो यहाँ पे कार्ड को ढूंढने में लगे हुए हैं। फिर क्या करेंगे, एक रास्ता ही जाता है यहाँ पे, या तो ये कार्ड को यहाँ पे ओपन करेंगे, या फिर एक रास्ता बनाते हुए यहाँ पे आएंगे, इस कार्ड को ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो दूसरा वाला जो प्लेयर है, उसके पास में ये वाला कार्ड है और उसने इसको यहाँ पे रख चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा जो पाथ है वो कंटिन्यू है, यहाँ से स्टार्ट से इस तरह से आते हुए पाथ हमारा कंटिन्यू है, तो अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो अभी इस कार्ड को रिवील करने का टाइम आ चुका है, तो इस तरह से मैं इसको फेस अप करूंगी। लवली, तो यहाँ पे होता है गोल्ड, तो यहाँ पे मुझे गोल्ड मिल चुका है, तो गेम उसी वक्त फिनिश हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड माइनर है, यानी कि मैं गोल्ड माइनर थी तो मुझे गोल्ड मिल चुका है, तो गेम अभी फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ड्रॉ पाइल है पूरी खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है, और तभी भी हम यहाँ पे जो गोल्ड है उसको नहीं ढूंढ पाए, तो फिर जीत जाएगा यहाँ पे सैबोटर। तो डेक को खत्म होने से पहले ही आपको यहाँ पे आपका जो सोना है वो आपको ढूंढना है, तभी जो गोल्ड माइनर है, ये जो गोल्ड माइनर, तभी वो जीतेगा। गाइस जिस तरह से मैंने यहाँ पे सैबोटर को ब्लॉक किया था, तो अगर उसके पास में ये कार्ड होता है जिसमें ग्रीन में ये जो लालटेन बनी हुई है, जो जिससे मैंने उसको ब्लॉक किया, तो ये कार्ड वो डिस्कार्ड करके अपने आप को यहाँ से ब्लॉक जो मैंने किया था वो यहाँ से हटा सकता है। इसी तरीके से सेम रहेगा, अगर मैं किसको ब्लॉक करती हूँ सैबोटर को ये कार्ड डाल के, तो वो इस कार्ड के जरिए जो उसका ग्रीन सिग्नल है ये डिस्कार्ड करके वो अपने जो ब्लॉक है उसको हटा सकते हैं, कोई भी प्लेयर, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ स्पेशल कार्ड रहेंगे, ये एक है मैप कार्ड। ये कार्ड डिस्कार्ड करने से क्या होगा कि सपोज यहाँ पे सभी अभी फेस डाउन है, किसी को भी अभी यहाँ पे ना गोल्ड नहीं मिला है, और हमें पता नहीं कि ये तीन कार्ड में से गोल्ड कहाँ पर है,
तो अगर मुझे जानना है कि गोल्ड कहाँ पर है तो मैं ये जो मैप का कार्ड है वो डिस्कार्ड करूंगी और सिर्फ मैं अकेला क्या करूंगी, इस कार्ड को उठाऊंगी और चुपके से देखूंगी, मतलब बिना किसी को बताए कि इसके नीचे क्या है, गोल्ड है या नहीं, स्टोन है। तो ये बात अभी मुझे पता चल चुकी है कि यहाँ पे स्टोन है, लेकिन मुझे किसी को भी नहीं बताना है, ना सैबोटर को बताना है और ना ही जो गोल्ड मेडल सामने वाला प्लेयर है उसी को भी, उसको भी नहीं बताना है। लेकिन मुझे एक आइडिया मिल चुका है कि अभी यहाँ पे गोल्ड नहीं है और मुझे या तो मैं इसकी तरफ जाऊंगी या फिर इस तरफ जाऊंगी रास्ता बनाते हुए। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे गोल्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, अगर गोल्ड माइनर जीतते हैं तो उसे क्या मिलेगा और अगर सैबोटर जीतते हैं तो उसे क्या मिलेगा। गाइज अभी हम देखते हैं कि गेम में आपको गोल्ड किस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे अभी जो गेम फिनिश हो चुका है और यहाँ पे गोल्ड माइनर जीत चुका है और हम पूरे जो गेम में सिर्फ दो गोल्ड माइनर थे, तो टॉप से यहाँ से आपको दो कार्ड उठाना है और आपको देखना है वो कौन देखेगा, जो गोल्ड तक पहुंचा वो वाला गोल्ड माइनर, उसको कार्ड उठाना और देखना है यहाँ पे। तो ठीक है, इसमें दो गोल्ड है और इसमें वन है, तो ये वाला कार्ड वो खुद रख लेगा और ये वाला पास कर देगा नेक्स्ट गोल्ड माइनर को। इन केस अगर इस गेम में जो मैं आपको बताई हूँ अगर उसमें सैबोटर जीतता है तो उसे टोटल 4 गोल्ड नगेट मिलेंगे, डेट मीन ये हो गया 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि उसको ये तीनों कार्ड मिल जाएंगे, तो उसके पास में हो गया अभी 4 गोल्ड नगेट उस अकेले बंदे के पास। अगर पूरे गेम में एक सैबोटर है तो उसको मिलता है यहाँ पे 4 गोल्ड नगेट, अगर गेम में 2 या फिर 3 सैबोटर है तो उसको मिलता है हर एक सैबोटर को 3-3 गोल्ड नगेट्स, अगर 4 सैबोटर है ओनली 2 गोल्ड नगेट्स ईच प्लेयर, है कि हर एक सैबोटर को 2 गोल्ड नगेट ही मिलेगा सभी सैबोटर को। तो गाइज आई होप आपको गेम समझ में आया हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप इस गेम को परचेज करना चाहते तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप मुंबई से हो तो आप जो हमारा घाटकोपर का शॉप का एड्रेस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी माई टॉयज, आप वहाँ पे भी जाके इस गेम को परचेज कर सकते हो और हमारे गेम्स के मोर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।